ब्रशिंग करना बहुत जरूरी है ईयर्स को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है हम लोग नहीं करते हम लोग कहते हैं अच्छा यार कुछ नहीं होता क्या करना है ईयर क्लीन करके क्या होगा पता तब चलता है जब डॉग के ईयर में इन्फेक्शन आती है और वो टच नहीं करने देता शुरू से ही उसको चिकन या एग वगैरह को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है स्पेशली छोटी ब्रीड्स को बिकॉज फिर ये फजी हीटर हो जाते हैं ये बहुत बड़ी लोग आते हैं बोलते हैं भैया हमारा डॉग तो दूसरे डॉग को टॉलरेट नहीं करता हम नया डॉग रखना चाहते हैं बट वो अलाउ नहीं करता हमें रखना रीजन उसको आपने कभी किसी दूसरे डॉग से मिलवाया ही नहीं है ये ब्रेवरी नहीं है कि हमारा डॉग भैया बड़ा हो जाएगा हम उसको सिखा लेंगे बड़े होने पे कभी नहीं सीखता बच्चा हेलो एवरी वन आई एम योर फ्रेंड योर होस्ट बादल भंडारी एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज़ डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉर एवर थैंक यू सो मच डियर फॉर योर लव योर अफेक्शन आप जो टाइम देते हैं जो आप प्यार देते हैं जो ब्लेसिंग्स देते हैं उन सब के लिए जैसे मैंने अपने लाइव सेशन में बताया था कि अब इस टॉपिक से जो आज जो मैं वीडियो को कवर कर रहा हूँ इस वीडियो से जो भी मैसेजेस आएंगे यूट्यूब पे रैंडमली मैं फाइव मैसेजेस सेलेक्ट करूंगा उनमें आपके क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी क्वेरी हो सकती है आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है आपको हेल्प चाहिए हो सकती है रैंडमली सेलेक्ट करके नाम लेके वीडियो में पांच अलग अलग क्लाइंट्स का मैं नाम लूंगा और उनका क्वेश्चन का आंसर दूंगा एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं करने जा रहा हूं वो ये कि मेरे साथ में बहुत ही प्यारे से भाई साहब हैं और ये जो भाई साहब हैं इन ये खुद को शिजु बोलते हैं बहुत ही मज़ेदार से हैं पंच फेस है अंदर को पूरा नोज़ घुसा हुआ है टेल सेट बहुत अच्छा है ट्राई कलर में है और ये फिफ्टी फाइव डेज के भाई साहब हैं जो ये जो बेबी है ये अपने नए घर जाने के लिए रेडी है फुल ऑफ एनर्जी ऑलवेज एक्टिव म, हमें मज़ेदार सा बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना जैसे हेमलेज के टैडीज आते हैं फुल फर देखिए मज़ा आ रहा है के इम्पॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट ये है कि हम बहुत शौक से डॉग को लेके आते हैं घर पे हमें हैंडलिंग नहीं करनी आती हाउ टू हैंडल अ डॉग आज जो टॉपिक है मैं कवर कर रहा हूँ वो है हाउ टू हैंडल अ डॉग सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आती है जो फर्स्ट टाइम ऑनर है क्योंकि जो फर्स्ट टाइम ऑनर है उसको पता नहीं कि आपको डॉग के साथ कब रिएक्ट करना और कब रिस्पोंड करना है ज़्यादातर हम रिस्पोंड की जगह रिएक्ट कर देते हैं जैसे ये जो छोटा बच्चा है ये खेल रहा है मेरे साथ में वीडियो में मस्ती कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग ऑफ वो लाइव स्टॉक है बच्चा है तो खेलेगा भी मस्ती भी करेगा मेरे हाथ को बाइट करने की कोशिश भी करेगा मैं उसके साथ में पैम्पर भी करूँगा उसको उसकी देखिए चेस्ट के आगे मैं रब कर रहा हूँ जब आप पप को ले आते हैं तो उसको अपने बेड पर सुलाना ज़रूरी नहीं है आप सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ को समझिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों के साथ में आती है जो डॉग को लेके आते हैं उसको नहला धुला के अपने साथ में अपने बेड पे सुलाना शुरू कर देते हैं ये सोच के कि भैया ये तो हमारा फर बेबी है हम तो इसके भाई हैं हम बहन हैं मम्मा हैं पापा हैं बहुत अच्छी बात है जरूरी है बहुत जरूरी है। लेकिन बींग अ पेरेंट होना जरूरी है बींग अ ब्रदर सिस्टर होना जरूरी है लेकिन ये चीज़ जरूरी नहीं है कि आप उसको अपने बेड पर बिठाओगे जब हमारे घर में नया बेबी आता है ह्यूमन बेबी भी नया आता है हम उसके लिए एक छोटा सा प्रैम लाते हैं या हम उसके लिए क्रैडल लाते हैं झूला सा लाते हैं उसके बीच में उसको डालते हैं उसकी बिलोंगिंग्स रखते हैं उसको वहाँ कंफर्टेबल करते हैं उसके टॉयज रखते हैं सेम उसी तरह से डॉग्स के लिए भी बेड लाना चाहिए बेड रखना चाहिए उसके ऊपर एक दो टॉयज़ रखिए एक दो उसके फेवरेट स्नैक्स रखिए सो ये देखिए बॉक्सिंग कर रहे हैं भाई साहब मेरे साथ में ये भाई साहब मेरे साथ बॉक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं उसके फेवरेट स्नैक्स रखिए उसके ऊपर एक दो उसको अच्छा फील करवाइए अगर वो कहीं लेफ्ट राइट जाके सो जा रहा है तो उसको उठा के उस बेड पे रख दीजिए ले जाके अगर आपका डॉग जो है बेबी बेड को फाड़ने की कोशिश करता है तो उसको तभी से नो की कमांड दीजिए ना कि उसे फाड़ने दें कि अरे यार इसने थोड़ा सा फाड़ लिया अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा करके फाड़ रहा है कोई बात नहीं वो हफ्ते दस दिन में पंद्रह दिन में पूरा अपना बेड फाड़ देगा फिर आप परेशान होंगे हम लोग क्या करते हैं हम लोग उसको उठा के अपने बेड पर रखते हैं नहीं जी ये बढ़िया है लेकिन कभी सोचा डॉग हमारे बेड को क्यों नहीं फाड़ता डॉग हमारे बेड को इसलिए नहीं फाड़ता हैंडलिंग की बात बता रहा हूँ क्यों क्योंकि वो उसको लगता है ही बिलोंग्स टू दिस प्लेस वो उसी बेड का एक हिस्सा है जबकि वो गलत है क्योंकि डॉग आपके साथ में पिल्लो पे हेड पिल्लो पे सोना शुरू हो जाएगा आपकी लेग्स पे सोना शुरू हो जाएगा अगर कोई डिस्टर्ब uh, टेम्परमेंट हो गया किसी का कोई गुस्सा ऐसा नहीं कि सब बच्चे बाय बर्थ डिस्टर्ब टेम्परमेंट होते हैं बहुत सारे बच्चों का टेम्परमेंट डिस्टर्ब करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो उनकी फैमिली होती है हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाद में हम डॉग को बोलते हैं यार ये ऐसा हो गया ये वैसा हो गया हमें किसी ने गलत डॉग दे दिया या ये ब्रीड हमने गलत रख ली ब्रीड सारी बहुत अच्छी होती हैं हमारा रखने का तरीका सही और गलत होता है उसको अपने बेड पे हैबिट मत बनाइए नो शुड बी नो नो मींस नो अगर हम किसी चीज़ के लिए उसको मना कर रहे हैं तो वो शुरू से फर्स्ट डे से मना होना चाहिए लिबर्टी उतनी ही देनी है जो आप बियर कर सकें ये नहीं कि अभी वो छोटी है, छोटा है बच्चा उठा के बेड पर रख लें वो बाद में बोलेगा भैया पहले भी मैं बेड पर बैठता था अब भी बेड पर बैठूंगा तीन चार महीने तक आप उसको अपने बेड पे बिठा लेंगे उसके बाद में या तो आपको अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या फिर जो डॉग है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अब होगा क्या रिजल्ट क्या आएगा रिजल्ट ये आएगा डॉग उस चीज की खुंदक या गुस्सा करना शुरू हो जाएगा वो जेलस फील करने लग जाएगा कि आप लोग अपने खुद बेड पे बैठते हो और मुझे नीचे फर्श पे क्यों सुलाते हो क्योंकि आप पहले उसे अलाउ करते थे ऊपर बैठना फिर आप उसे अपना हाथ जैसे लोग मैंने देखा है ये मेरे हाथ को बाइट कर रहा है तो लोग क्या कहते हैं अच्छा प्यार कर रहा है बाइट कर रहा है करने दो उसको पता नहीं बेजुबान को कि कितना फोर्स लगाना है कितना प्रेशर करना है ये गलत हैंडलिंग का एक हिस्सा है फ्रंट लेग को पकड़िए हल्का सा दबाया मैंने छोड़ दिया उसने ये देखिए नो no. <coughs> गंदी बात पिटाई हो जाएगी पिटाई होगी ओके okay? छोटे बच्चे को समझाना या सिखाना बहुत आसान है जितना बच्चा बड़ा होता जाएगा उसको मैनर्स और डिसिप्लिन सिखाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा बहुत बड़ी होता है हम उसको अच्छा कोई हमारा टॉय को चीव कर रहा है सोफा को चीव कर रहा है देखना हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं हमारा डॉग किसी को स्ट्रेंजर को पढ़ रहा है हम लोग वॉक के लिए लेके जा रहे हैं वो किसी को अग्रेशन दिखा रहा है हम बड़े खुश होते हैं तीन चार महीने का है पास से कोई साइकिल वाला जा रहा था इसने उसे गिरा दिया बाइक वाले को इसने अटैक कर दिया दैट इज नॉट पार्ट ऑफ ब्रेवरी दैट इज़ पार्ट ऑफ फुलिशनेस क्लियर कट हम अपने बच्चे को गाली देना सिखा रहे हैं अगर आप अपने बच्चे को गाली देना सिखाते हैं लोग बोलते हैं अंकल आए हैं गाली दे दो आई हैव सीन सच सचकट ऑफ नॉन पीपल वो बोलते हैं अंकल आएँ गाली दे दो जिस जो अंकल को आज गाली दे रहा है चाचू को गाली दे रहा है ना वो कल को आपको ही गाली देगा वो डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता पेरेंट्स को स्पेयर कर दे टेम्परमेंट समझना उसका बिहेवियर समझना उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ब्रशिंग इज वन ऑफ इज बेसिक रिक्वायरमेंट हेयर ब्रश कीजिए उसको डेली प्राइसर डे कीजिए नहलाइए उसको लोग कहते भैया हमारा डॉग नहाता नहीं है नहाने से बहुत डरता है क्यों हमने तीन महीने तक डॉग को नहलाया ही नहीं है उसको जब तीन महीने पे डॉग को नहलाने लगते हैं वो पानी देखता है डरता है उसको पता लगता है पता नहीं आप उसका क्या कर देंगे जरूरत नहीं है इफ़ यू आर के डेज फोर्टी डेज प्लस आराम से आप उसे बात दे सकते हैं ल्यूकवम वाटर से दीजिए कैसे बात देना मैंने वीडियो बना के डाल रखा है आपकी जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम डॉग नहीं है प्रॉब्लम हमारी हैंडलिंग है हमारी हैंडलिंग है प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं शू चू कर रहा है इट इज़ ओके करने दीजिए हम देखो एक और चीज़ पॉइंट क्लियर करता हूँ अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉग सोशल हो सोशल दूसरे डॉग्स के साथ हो बहुत बड़ी लोग आते हैं बोलते हैं भैया हमारा डॉग तो दूसरे डॉग को टॉलरेट नहीं करता हम नया डॉग रखना चाहते हैं बट वो अलाउ नहीं करता हमें रखना रीजन उसको आपने कभी किसी दूसरे डॉग से मिलवाया है नहीं है उसको मिलने दीजिए दूसरे डॉग से ऐसा नहीं कि आप किसी बड़े डॉग के पास अब ये शिजू को मैंने मिलवाना इफ आई वॉन्ट टू मीट इफ आई वॉन्ट हिम टू मीट माई हिटलर इट इज ओके बिकॉज मेरे को हिटलर का टेम्परमेंट पता है मुझे पैबलो का टेम्परमेंट पता है लेकिन इतने छोटे से बच्चे को मैं किसी और के पले हुए जर्मन में के आगे नहीं डाल दूंगा हो सकता है वो उसको गुस्सा कर दे बाइट कर दे देग्रेशन दिखा दे दैट कैन लीड टू इंजरी इवन दैट कैन लीड टू डेथ बट इसकी एज के बच्चे हैं इससे थोड़े से बड़े हैं दो तीन चार महीने के हैं इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले विद दैम लेट हिम हैव फन 10-15 मिनट्स का फ्री प्ले करने दीजिए आप पार्क में जाते हैं ग्राउंड में जाते हैं अपने डॉग को लेके इट इज़ ओके रियली ओके उसको बेल्ट का हैबिट बनाइए शुरू से बनाइए इसी एज से हल्के से कॉलर के 15-20 मिनट डाल दिया ये वो चीज़ें हैं जो हम हैंडलिंग नहीं करते हैं प्रॉपरली ब्रशिंग करना बहुत जरूरी है ईयर को क्लीन करना बहुत जरूरी है हम लोग नहीं करते हम लोग कहते हैं अच्छा यार कुछ नहीं होता क्या करना है ईयर क्लीन करके क्या होगा पता तब चलता है जब डॉग के ईयर में इन्फेक्शन आती है और वो टच नहीं करने देता इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ जो अक्सर पेरेंट्स गलती करते हैं हम लोग हमेशा अपने डॉग को हाथ से खिलाने की कोशिश करते हैं हमारा डॉग खाना नहीं खा रहा हम लोग क्या करते हैं हमारा डॉग खाना नहीं खा रहा अच्छा हाथ से खिलाएंगे लाड लाड में उसने उतना सा ही खाना है इसने अगर इसको आधे चम्मच डॉग फूड की भूख है इसने उतना ही खाना है लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको फोर्सफुली एक एक डेढ़ चम्मच खिलाते हैं वो एक दो दिन दो खा लेता है है फिर उसको इतना इतना हैवीनेस हैवीनेस हो हो जाती है ना इतना heaviness हो जाएगा यूरिन भी येलो करने लग जाएगा वो कहेगा मुझे खाना ही नहीं खाना फूड देख के भागेगा फिर लोग फोन करके बोलते हैं भैया डॉग तो खाना नहीं खा रहा क्यों बिकॉज आपने ऑलरेडी ओवर ईटिंग कर दी है वो भी मिस हैंडलिंग का एक पार्ट है आपको एक सबसे बेस्ट चीज ये करनी है अपने पेट को खाना दिखाइए उसे फाइव मिनट्स के लिए ऑफर कीजिए खाना फ़ ही इज इंटरेस्टेड ही विल हैविट अगर वो नहीं खाना चाहता उसे हटा दीजिए हो सकता है उसका मूड ना होता अब खाने का नेक्स्ट टाइम दीजिए चार घंटे बाद अगर वो तब भी नहीं खाता देन चेक हिज बॉडी टेम्परेचर क्या उसको फीवर तो नहीं है क्या उसको लूज मोशन तो नहीं है कोई किसी तरह का इस तरह का अगर कुछ इश्यू है या यूरिन यालो कर रहा है तो दैट मीन्स कि उसको थोड़ा एसिडिटी हो रहा है कुछ भी तो आप एंटी एसिड वगैरह दे सकते हैं अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके या किसी स्पेशलिस्ट को लेकिन सम्बंध समझना बहुत जरूरी है इतने से बच्चे को लोग चिकन ग्रेवी देना शुरू कर देते हैं चिकन खिलाना शुरू कर देते हैं आई हैव सीन पीपल मेरे एक बहुत प्यारे मित्र हैं भाई हैं हमारे उन्होंने भी शिजू रखा वो अपने साथ में उसको बिठा लेते हैं खाने पीने के चक्कर में और वो शिजू को पता है भैया ने शाम को खाना है चिकन खाना है पैग शेक लगाना है वो भाई साहब भी साथ में बैठ जाते हैं और वो कितना खा जाता पता ही नहीं है वो पंद्रह के से ऊपर का शिजू हो गया वो देखने में छोटा मिनी सेंट बना लगता है लेकिन उसके लिए वो पप जिम्मेदार नहीं है हमारे जो मेरे भाई जो मित्र हैं मेरे उन उनका वो लाड चा एक्स्ट्रा करना कि चल यार मेरे साथ बैठा है तू भी खा ले उसकी उतनी एपेटाइट बढ़ गया वो क्या करता है वो चिकन चिकन खाता है बाकी चीज़ें नहीं खाता हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वो बच्चे को नहीं पता वो बाहर नहीं गया देखने के लिए कि चिकन आ रहा है मार्केट में एग आ रहे हैं कुछ भी आ रहा है हमें उतनी ही चीज़ देनी है हमें उतनी ही चीज़ उसको देनी है यहाँ दिखाओ हमें उसे उस बच्चे को उतनी चीज़ देनी है जो उसकी रिक्वायरमेंट है शुरू से ही उसको चिकन या एग वगैरह को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है स्पेशली छोटी ब्रीड्स को बिकॉज़ फिर ये फजी ईटर हो जाते हैं ये उतना ही खाना चाहते हैं जितनी इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है थोड़े से स्नैक्स खा लेंगे और उसके लिए बाद में हम फिर ब्रीड के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रीड को रिस्पॉन्सिबल बोल देते हैं कि भैया हमारा डॉग खाना नहीं खाता हमने उसकी एनर्जी लेवल तो खुद ही फुलफिल कर दी है उसने अपने पेट भरने के लिए नहीं खाना उसने अपनी एनर्जी भरने के लिए खाना जितने खाने से उसकी एनर्जी भर जाएगी वो उतने पर क्विट कर देगा उसको वॉक करवाइए उसकी शिशु पॉटी की हैबिट बनाइए है, ये ब्रेवरी नहीं है कि हमारा डॉग भैया बड़ा हो जाएगा हम उसको सिखा लेंगे बड़े होने पे कभी नहीं सीखता बच्चा बच्चा बचपन से सिखाया जाता है बच्चे को ह्यूमन बेबी होगा उसको भी बचपन से सिखाया जाएगा अभी दो दिन पहले आई वॉज इन चंडीगढ़ मैं गया वो था एलेंटे मॉल में वहाँ पे एक हैमलेट स्टोर है वहाँ पे बॉल्स का जोन है आपने शायद कुछ लोगों ने आपने से देखा होगा वहाँ बच्चों के लिए पार्क जैसा है खेलने के लिए बॉल्स ही बॉल्स हैं जैसे आप यूट्यूब पे देखते हैं डिफरेंस क्या था बहुत सारे बच्चे थे उठा उठा के बॉल्स बाहर फेंक रहे थे यहाँ पास से लोग निकल रहे थे किक करके निकल जा रहे थे वहाँ बॉल को मैं कोई ब्रेवरी नहीं बता रहा हूँ बट मेरा बेटा जो माहिर है बनी वो गया उसने देखा वो दो बॉल उसने उठाई उठा के उसने उसको उस पैन uh, जैसे में डाल दिया जिसकी uh, वो जिसको बिलोंग करती थी फिर उसने दो और बॉल उठाई दोनों हाथ में छोटे छोटे हाथ हैं उसके उसने फिर से उसमें डाल दिया ही इज जस्ट थ्री ईयर्स उस दिन उसका बर्थडे था जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ ट्यूजडे की और पास से एक आदमी निकल रहा था पहले उसने किक की थी वो जो बॉल है उसने उस बॉल को किक कर दिया था उसके बाद में जब उसने मेरे बेटे को वो करते देखा तो उसने वो बॉल्स उठा के उसके साथ में अंदर डलवाई दैट इज द डिफरेंस आप बच्चे को बचपन से मैनर्स सिखाएं बच्चे को बचपन से बिहेव करना सिखाएं उसको बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएं। ह्यूमन बेबीज की तरह डॉग्स भी समझते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बहुत समझदार होते हैं उन लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा जिन लोगों ने डॉग्स नहीं रखे बट आप मेरा यकीन करिए ये जो है ये इतना लविंग इतना प्यारा हो सकता है शिजू बच्चा हम पे डिपेंड करेगा इसका हमने गुस्सा इसका टेम्परमेंट गुस्से वाला बनाना है या हमने इसको कूल रखना है अगर कूल रखना है तो इसको जिद मत करने दीजिए अगर जिद कर रहा है तो इग्नोर कर दीजिए बदतमीजी मत करने दीजिए ओवर ईटिंग करवाने की कोशिश नहीं करनी कभी भी ये नहीं होगा कि आपको हाथ से खिलाना पड़ रहा डॉग को हम लोग क्या करते हैं अच्छा चिकन खा ले हाथ से ड्राई चिकन खा ले स्नैक्स खा ले बॉय्ड एग खा ले हाथ से खिला रहे हैं फीड खिला रहे हैं हाथ से वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाईज बिगड़ता बिगड़ता वो बिल्कुल बिगड़ जाता है जो हैंडलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का जो टॉपिक था वो यही था कि हमें पेट को कैसे हैंडल करना है उसको बेड की हैबिट कैसे बनानी है उसको ग्रूमिंग के लिए ब्रशिंग की हैबिट कैसे बनानी है शैम्पू की हैबिट बाथिंग की हैबिट कैसे बनानी है उसको खाने की हैबिट कैसे बनानी है, खाने 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 है। और जब ये छोटा सा बच्चा है इसको खाना खिला रहे हैं ना फीडिंग बाउल लिफ्ट करके खिला रहे हैं उसके सर पर हाथ फेरिए उसे खाने दीजिए फीडिंग बाउल में उसके हाथ फेरिए उसको शुरू से हैबिट बना दीजिए जब आप अभी नहीं करेंगे आप तीन चार महीने पे वो करने की कोशिश करेंगे तो हिल शो यू एग्रेशन वो बोलेगा भैया ये तो मैं पहले आपने कभी मुझे टच किया नहीं अब आप कैसे आगे मुझे खाना खाते हुए डिस्टर्ब करने के लिए और ऐसा नहीं कि वो खाना खा रहा है आपको हर बार उसे डिस्टर्ब करना है उसको आराम से शांति से खाना खाने दीजिए जैसे हम लोग भी शांति से खाना खाना पसंद करते हैं शांति मतलब पीस आराम से खाना खाना पसंद करते हैं वैसे डॉग्स को भी अच्छा लगता है ये जो वीडियो बनाया ये आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप वीडियो को मिस ना करें साइन दिया करेंगे मुझ पे, आप पे हमारे पेट्स पे लव यू ऑल थैंक यू सो मच